अमेजॉन सेलर सेंट्रल इंडिया डैशबोर्ड पर अमेजॉन इजी शिप लॉस्ट एंड डैमेज्ड रीइंबर्समेंट पॉलिसी के मुताबिक, न्यू अपडेट के मुताबिक, अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया है या लॉस्ट हो गया है और रिटर्न नहीं हुआ है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, नंबर वन पॉइंट, या कितना पैसा कटेगा और आपका पैसा कभी तक आएगा, मुझे कभी तक मिला था, नंबर दो पॉइंट, और नंबर तीन पॉइंट, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ। इस सब क्वेश्चन के आंसर आपको सीधे पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल इंडिया A1 पर, जहाँ पे आप ई कॉमर्स और ई कॉमर्स शिपिंग सॉल्यूशंस, जैसे कि ये वीडियो भी है, इसके टेक्निकल टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज अपडेट, स्टेटस, ये सब लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। आपके जो दोस्त है जिसके इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है ना, उसको शेयर कर देना, ताकि आपके शेयर से सीखकर वो भी कुछ बेनिफिट कर सके। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। फ्रेंड्स, आओ फिक्स करें। तो फ्रेंड्स, बने रहना, पूरा वीडियो देखना। फ्रेंड्स, शुरू हो गया है अमेजॉन इंडिया लॉस्ट एंड डैमेज्ड रीइंबर्समेंट पॉलिसी का ऑफिशियल अमेजॉन इंडिया के वेब पेज के हेल्प वेब पेज पे लाइव डेमो। तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिसी के मुताबिक, अपडेट के मुताबिक, अमेजॉन विल प्रोएक्टिवली रीइंबर्स सेलर्स फॉर द फॉलोइंग केसेस। आप इस हाईलाइट पॉइंट्स पे ध्यान देना। तो नंबर पॉइंट है, वन पॉइंट है कि फर्स्ट, कस्टमर रिटर्न शिपमेंट विच इज नॉट रिटर्न टू सेलर्स इवन आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द रिफंड डेट, अमेजॉन विल रीइंबर्स द सेलर्स प्रोएक्टिवली विद इन 50 डेज ऑफ द रिफंड डेट। तो अगर इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ है 30 डेज तक, तो अमेजॉन ऑटोमेटिकली उसको 50 दिन के रिफंड डेट के 50 दिन के अंदर तक उसको रिफंड कर देगा। और यही पॉइंट लागू होती है चाहे रिटर्न हो या रिप्लेसमेंट हो, वो सेकंड पॉइंट के बारे में है। और जो डैमेज के बारे में है उसमें भी यही पॉइंट लागू होती है। नंबर तीन जो नीचे दिया गया है उसमें भी, अगर ऑर्डर्स विच आर डिक्लेयर्ड एज डैमेज्ड एंड डैमेज्ड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अमेजॉन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर वेयर इन द फॉल्ट इज नॉट एट्रिब्यूटेबल टू सेलर, मतलब अगर सेलर की कोई गलती के नहीं कारण अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया है या डिस्पोज हो गया, क्योंकि अमेजॉन को की पॉलिसी उसको डिस्पोज करने को, तो अमेजॉन रिइंबर्स प्रोएक्टिवली विद इन 50 डेज, तो 50 डेज फ्रॉम द रिफंड डेट के अंदर वो रिफंड कर देगा। तो अगर ये 50 डेज में रिफंड नहीं होता है तो आपको सेफ्टी क्लेम फाइल करना पड़ेगा। सेफ्टी क्लेम इसे फाइल करने का ऑर्डर्स में दूंगे, मैनेज सेफ्टी क्लेम्स में फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम करके ऑप्शन है, इसका वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट आती है कि कभी तक 50 डेज में कौन सा पर्टिकुलर डेट है क्या नहीं कि कभी तक आ जाएगा। तो इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 50वें दिन के अंदर मेरे को रिफंड हुआ था। इस पर आप ध्यान देना, नहीं तो क्या है कि आपको लगेगा अभी 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 37 डेज हो गए, 38 डेज हो गए, 39 डेज हो गए, तो क्या एंजाइटी बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा क्यों नहीं हुआ, अभी कौन हेल्प नहीं करेगा, क्या करेंगे। तो एग्जैक्टली 50th डे यूजुअली मैंने कस्टमर के एग्जीक्यूटिव से बात किया, उसने कहा कि वो लोग यूजुअली लास्ट दिन ही, वो लोग 50वें दिन के अंदर ही वो लोग रिफंड कर देते हैं, मतलब आपके जो रिपोर्ट्स है ना, पेमेंट रिपोर्ट्स, उसके ट्रांजैक्शन में आपको उस ऑर्डर का नंबर डालोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये तारीख को रिफंड हुआ। तो एग्जैक्टली 50वें दिन की तारीख को मुझे रिफंड हुआ था, हो सकता है जल्दी भी हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है रिसेंटली। और अभी नेक्स्ट जवाब सवाल आता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कुछ सवाल बताए थे, उसमें कितना अगर पैसा मिल भी गया तो पैसा कितना पैसा कटेगा। तो इसी पेज में ये नोट्स है ना येलो के बैकग्राउंड में, इसमें देखो, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर ऑर्डर्स लॉस्ट इन ट्रांजिशन अमेजॉन मेक्स सोल डिस्क्रिप्शन रीइंबर्स सेलर्स बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लॉस्ट प्रोडक्ट, कि मार्केट वैल्यू का जो इतना एवरेज जो स्टैंडर्ड राइट है उस प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे अभी उस मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए द प्रोडक्ट टैक्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑर्डर एंड एनी एप्लीकेबल सेलिंग ऑन अमेजॉन फीस इंक्लूडिंग द क्लोजिंग फीस आर एक्सक्लूडेड। तो कितना पैसा कटेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ रही है कि जो टैक्स होते हैं ना, जैसे GST होता है इंडिया में, पूरा वो GST नहीं मिलेगा, GST अमाउंट। और नेक्स्ट है कि
उसका जो अमेजोन का फीस होता है उस जैसे अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी पे इतना परसेंटेज अमेजोन का फीस होता है, वो भी उसके मुताबिक आपके जो प्रोडक्ट का नीश है उतना परसेंटेज का फीस आपको पैसा एक्चुअली कटेगा अगर प्रोडक्ट लॉस भी हो गया तो। और ना ही कि वो तीसरा फीस कटेगा कि जो अमेजोन का क्लोजिंग फीस होता है वो भी कटेगा। तो तीन चीज़ें कटेगी, अगर प्रोडक्ट गुम भी हो गया तो इतना पैसा आपको आपके रिफंड रिइंबर्समेंट में नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये जो मैंने पॉइंट की वो लॉस्ट इन प्रोडक्ट है, तो डैमेज्ड प्रोडक्ट भी है उसके भी मुताबिक यही पॉइंट दी गई है कि फॉर दिस डैमेज्ड इन प्रोडक्शन डैमेज्ड इन ट्रांजिशन। ये पॉइंट है कि अगर अमेजोन ये सब चीज़ें ना कि अमेजोन का अगर इजी शिप होएगा ना तो ही लागू होएगा, और अगर सेल्फ शिप है तो फॉर रिटर्न सेल्फ शिप बाय द बायर द सेलर कैन फाइल अ सेफ्टी क्लेम आफ्टर 30 डेज बट विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिटर्न रिक्वेस्ट डेट। तो आप अगर आपका सेल्फ शिप है तो आपको 60 डेज के अंदर रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल करना पड़ेगा सेफ्टी पॉलिसी के थ्रू। तो बेसिकली यही पॉइंट्स है मेनली कि अगर अमेजोन रिटर्न लॉस्ट एंड डैमेज्ड रीइंबर्समेंट पॉलिसी के मुताबिक अगर अमेजोन इजी शिप में प्रोडक्ट गुम हो गया रिटर्न में या फिर रिप्लेसमेंट में, या अगर डैमेज हो गया तो फिर क्या कर कितना पैसा मिलता है ये मैंने आपको बताई एक पॉइंट, कितने दिन में मिलेगा दो पॉइंट, और कितने दिन में अगर नहीं भी मिला तो क्या कर सकते हो, और अगर मिला भी तो कितना पैसा कटेगा, ये सब पॉइंट्स आपको मिली फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको वीडियो को वापस देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए, आपका डाउट क्लियर हो जाए, ताकि अगर प्रोडक्ट डैमेज या गुम भी हो गया तो आपको एंजाइटी नहीं रहेगी कि कितने दिन में पैसा मिलेगा, आपको बार बार कस्टमर को कॉन्टैक्ट नहीं करने का क्योंकि वो लोग क्या लिंक भेज देंगे ये पॉलिसी का, जैसे मैंने आपको ये लिंक बताया ना वही लिंक भी भेज देंगे, तो पहले से आइडिया रहेगी तो आपको क्या आपके डाउट्स और एंजाइटी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपके दोस्त भी होंगे ना आपको इनके अमेजोन सेलर यूज़ करेंगे उनको शेयर करके उनको शेयर से करके आप भी वो भी कुछ सीख सके, वे भी चैनल और वीडियो का पर्पस है सीखने को मिला ही है। तो फ्रेंड्स लाइक जरूर बनता है। तो फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।